अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी खुबानी का मीठा, जिसके लिए हमने लिया है 750 ग्राम खुबानी, जो ये थोड़ी वाइट वाइट है, तो हमें इसको ज़्यादा गलाना है और इसमें शक्कर ज़्यादा लगती है, और जो ब्लैक रहती है, पुरानी रहती है, उसमें कम शक्कर लगती है। और हमने 150 ग्राम शक्कर लिया है, जो हम पकाते वक्त चक्कर उसके हिसाब से डालेंगे। और एक प्याली रूह अफ़ज़ा लिया है, जो हम आखिर में डालेंगे, खुबानी बनते वक्त आखिर में डालते हैं इसको। और एक चमचा, एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और एक आधा टीस्पून ज़ाफ़रानी रंग लिया है। और फिर हम इसे धोकर एक कुकर में 2 सीटी होने तक गलने देंगे। फिर इसके बाद हम इसे इसके अंदर के जो बीज होते हैं वो निकाल कर इसे फोड़ कर फिर आखिर में जब मीठा बन जाता है तो जब डालेंगे। इसको हमने कुकर में 1.5 लीटर तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल के इसको गला दिया है। ये इस तरह से एकदम नरम गल गए हैं। बाद में हम इसमें से इसके इस तरह के गुठले हैं ये पूरे निकाल देंगे और फिर इसे एक कैरी बैग में डालकर से एक पत्थर से या किसी चीज़ से कूट कर इसमें से बीन निकाल लेंगे, जो हम आखिर में इसमें डालेंगे। तो इसको तकरीबन हमने 3 सीटी दी हैं। चाहे तो आप भगोने में भी गला सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कुकर में गलाया तो उससे 10 मिनट लगे। तो 100 ग्राम के हिसाब से इसमें हम समझो पावसर के हिसाब से 1 लीटर आधा लीटर पानी लगा इसको। तो हमने 1.5 लीटर टोटल 3 पाव में 1.5 लीटर पानी डालकर गलाया। 10 मिनट लगे इसको गलने के लिए। अब इसको हम इसके बीन निकाल कर इसको मिक्सर में पीस देंगे। फिर इसके बाद हम इसको पकाएंगे। और इसका पानी ये देखिए इस तरह हमने निथार दिया है, अभी ये गर्म है। इसको हम फिर इसके बीन निकाले बाद इसको हम पकाएंगे। इसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ये पानी में ही हम ये खुबानी को पीसकर इसके बीन निकाले बाद इसको मिक्सर में पीसकर ये पानी में डालकर शक्कर वो डालकर पकाएंगे। 10 मिनट हम इसको टोटल 10 मिनट पकाएंगे। फिर इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करके इसको सर्व करेंगे। ये हमने एक जार में खुबानी को पीस लिया है, तरह बारीक पेस्ट कर दिया है इसको, इसके बीन निकाल कर। और ये जो हमने पानी रखा था उसमें हम ये खुबानी पूरी डाल देंगे। इसको पूरी इस तरह डाल के फिर अच्छी तरह से पकने देंगे। इसको पूरी इस तरह डाल देंगे। इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। फिर अभी हम इसमें थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट के बाद इसमें हम कॉर्नफ्लावर और शक्कर आप आपके हिसाब से डालना, क्योंकि ये मीठी रहती है। अगर ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं, इसके लिए इसमें कम ही शक्कर डालते हैं आप। फिर भी अगर आप आपके हिसाब से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी इसको पककर 2 मिनट हुए, तो इसके 2 मिनट के बाद हम इसमें शक्कर 3, 4, 5 और ये 6 टेबल स्पून शक्कर डाल रहे हैं हम। और इसके बाद हम इसमें ये ज़ाफ़रानी रंग जो रखा था हमने वो डाल देंगे। फिर इसको और 2 मिनट पकने देंगे। अगर चेक लेंगे, अगर इसमें शक्कर कम लग रही है हमको, तो हम और डालेंगे। एक चम्मच और डाल देंगे हम शक्कर। टोटल हमने इसमें 5 टेबल स्पून शक्कर डाला है। और ये फिर कॉर्नफ्लावर को हमने पानी डालकर इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम ये कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। इससे उबालने का मीठा चिकना और अच्छा चमकदार बनता है कॉर्नफ्लावर से। तो
स्कॉच एक टेबल स्पून डालना। इसे हम और 4-5 मिनट पकने देंगे, फिर इसके बाद गैस बुझा देंगे और फिर इसे ठंडा कर फिर इसमें बाद में इसमें बीन डालेंगे। और फिर ठंडा होने बाद इसमें आखिर में, सबसे आखिर में हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे। अभी 2-3 मिनट पकने देंगे, फिर इसके बाद हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे। इसलिए भी हमने इसमें शक्कर कम डाली है, क्योंकि हमें रूह अफ़ज़ा भी मीठा होता है, इसलिए हम शक्कर कम डाले। ये इस तरह हमने इसको और 2-3 मिनट पकने दिया है। फिर बस ये इतना ही काफ़ी है, इतना पतला रहने देना है। चाहे तो आप इसको और गाढ़ा भी कर सकते, लेकिन हम इसको इतना ही पतला रहने दे रहे। फिर अब इसमें हम थोड़ी देर के बाद, 2-3 मिनट के बाद गैस बुझाए हुए, तो इसमें हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे। ये इसके बाद हम इसमें गैस बुझाए हुए, तो हम इसमें रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। आपके हिसाब से रूह अफ़ज़ा डालना, शक्कर इसमें कम डालना, क्योंकि रूह अफ़ज़ा मीठा होता है, तो इसलिए आपके हिसाब से रूह अफ़ज़ा डालें, क्योंकि ये बहुत मीठा नहीं अच्छा लगता। तो हम इस तरह रूह अफ़ज़ा इसमें डाल के इसको फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद हम आखिर में इसमें बीन डालेंगे। लीजिए, ये हमारा मीठा तैयार है खुबानी का। इसको हमने 5-6 घंटे फ्रिज में रख दिया था। अब और इसकी ये बीन्स हमने इस तरह निकाल लिए थे, ये इस तरह। इसको ना हम इसमें आधे डाल देंगे और आधे गार्निशिंग के लिए रख देंगे। इस तरह इसको मिक्स कर देंगे। ये बाकी से गार्निशिंग करेंगे और थोड़े काजू बादाम, थोड़े बादाम भी डालेंगे इसमें हम इस तरह से। लीजिए, ये हमारा खुबानी का मीठा तैयार है। इसे आप कस्टर्ड से या फिर वेनिला आइसक्रीम से खा सकते हैं। इसमें इसको वैनिला आइसक्रीम ही लगता है, दूसरा आइसक्रीम नहीं चलता इसको। वैनिला आइसक्रीम या क्रीम या मलाई से भी खा सकते हैं।